हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वील टेक ज्योग्राफी रिवीजन चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके, सो वी हैव रेड इन द चैप्टर, ब्रीफली वी हैव रेड द चैप्टर. नाउ इन शॉर्ट आई विल टेल यू मेन पॉइंट्स, सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. ओके, सो इट्स लाइक सोलर सिस्टम क्या है. सोलर सिस्टम इज़ द सन, द 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मिटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. ठीक है, तो इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं. सन, सन क्या है. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. किसका गोला है ये. पूरी गर्म गैसेस जो होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं, उनका गोले को हम क्या कहते हैं. सन. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, ये सन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नाउ वील टेक प्लैनेट्स. प्लैनेट्स में क्या होता है. देर आर 9 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. ओके, बट नाउ इट इज़ 8 प्लैनेट्स. ठीक है, सो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. जो सन के आसपास ही घूमते हैं वो सारे फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, उनका एक पाथ बना हुआ होता है, उसमें वो मूव अराउंड करते हैं. ठीक है, जो सबसे पास वाला प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी. ओके, और एक न्यू प्लैनेट 2003 में UB313 हैज़ डिस्कवर्ड. इट इज़ बिगर देन प्लूटो एंड इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन. ओके, नाउ अर्थ. अर्थ में क्या है. अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम. दिस कैन कम एज फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ और वन वर्ड आंसर. ओके, सो पे अटेंशन हियर ऑल्सो. द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ. एंड अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. मीन्स दैट हैज़ वाटर, एयर, सनलाइट एंड द सर्वाइवल कंडीशन जो हमें जीने के लिए चाहिए होती हैं टू सपोर्ट आर लाइफ सिस्टम. वो सारी हमें कहाँ पर मिलती हैं. अर्थ पे. इट इज़ द ओनली प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ लाइफ ऑन इट. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. बिकॉज किस लिए ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ. बिकॉज इट हैज़ वाटर ऑल अराउंड. ओके, इसकी जो शेप है दैट इज़ जियोइड शेप. इन सबके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दीज आर जस्ट द मेन पॉइंट्स जस्ट टू रिवाइज योर थिंग्स. ठीक है, जस्ट पे अटेंशन इन योर टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स एंड द वर्कशीट्स विच आई हैव गिवन. ओके, एंड जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनको कीप इन माइंड. ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स. Now the next is the moon. Moon is the only satellite of the earth. Its diameter is 1/4 of the earth. It is about 384,400 kilometer away from us. It moves around the earth in about 27 days. Ek chakkar lagane mein usko earth ka kitne din lagte hain. 27 days. Jisme humne ye padha tha, jisme ye full moon night bhi aati hai aur iske different phases aate hain moon ke. जिसमें कहीं से ये कैसा विजिबल होता है. जैसे जो डे नाइट होते हैं हमारे, ये हमने पहले पढ़ा था कि अमेरिका में कितने आवर्स का डिफरेंस है रादर देन इंडिया. सो इट ऑल चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट रिवोल्यूशन ऑफ द मून एंड द सन टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, तो ऐसे हमें एक साइड अंधेरा और एक साइड दिन, एक साइड रात नजर आती है. ठीक है, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून बिकॉज वहाँ पे पानी नहीं है, हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं. दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज द सिरिस. सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है. ये नया पॉइंट ऐड किया ना हमने इसमें, इसको देख लेना जरा. सिरिस करके बोलते हैं उसको. ठीक है, मिटेरॉइड्स क्या हैं. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. अब ये इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है, इतने सारे यहाँ पे प्लैनेट्स है, इतना कुछ है, तो हवा में जो छोटे छोटे पत्थर या बड़े पत्थर या कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वो जो सब मूव अराउंड करते हैं वो सब भी मैटर करते हैं, गैसेस जैसे हमने बोला. तो ऐसे कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं सन के मूव अराउंड करते हैं, उनको हम मिटेरॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. और यही सारी गैलेक्सीज मिलके एक बड़ा हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बनाती हैं. ओके, द स्टार्स एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडीज विच आर विजिबल ओनली एट नाइट इन द स्काई. रात को हमें सूरज दिखता है क्या. नहीं ना, वी कैन ओनली सी स्टार्स एंड मून. सो ड्यूरिंग डे टाइम द पावर ऑफ द सन्स लाइट रेंडर्स देम इनविजिबल. इसका ये मतलब नहीं है कि वो होते नहीं हैं, क्या बोलते हैं, क्लाउड्स में या आसमान में या स्काई में, वो इनविजिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सन्स
लाइट एंड हीट, उसकी रोशनी में वो छुप जाते हैं, यानी कि उनका कोई और घर होता है एंड दे मूव अराउंड देयर. नहीं, दे आर इन द स्काई बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे बिकम इनविजिबल ड्यू टू सन्स लाइट एंड रेज. ओके, द मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स लाइक द फुल मून. मैंने पहले भी आपको बोला दैट अकर्स ओनली वंस इन अ मंथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा नाइट. वेयर एज ऑन द 15th नाइट आफ्टर दैट देयर इज नो मून इन द स्काई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमावस्या. ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट सिंस दे आर मेड ऑफ गैसेज, दे आर कॉल्ड स्टार्स. और जो स्टार्स होते हैं दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. किससे बने होते हैं? ये भी गैसेज से बने होते हैं, ठीक है. एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार. We do not feel the heat and light of the stars other than the sun since they are very far away from us. ठीक है, हमें सन की आती है रोशनी क्योंकि because जो बाकी सारे स्टार्स हैं वो उससे भी बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो we cannot feel their heat and light. Okay. Group of stars that are visible in definite patterns are called constellations. दो तीन मेन कॉन्स्टिलेशन हमने पढ़े थे चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर. उर्सा मेजर दैट इज कॉल्ड द बिग बेयर एंड द स्मॉल बेयर दैट इज कॉल्ड सप्तऋषि, ठीक है. ये वेल नोन कॉन्स्टिलेशन है. मैंने आपको बोला था कि अपने दादी नानी से पूछोगे या आप लोग भी कभी स्टार्स ऐसा एक टाइम आता है स्काई पे बैठ के देखोगे तो इट इज वेरी विजिबल टू एवरी वन, इट कैन बी इजिली सीन, ठीक है. नीचे देखो पिक्चर दे रखी है. द पोल स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार सिंस इट हेल्प्स इन नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन. इसकी वजह से हमें, मैंने पहले बोला था ना कि पहले तो इतना कुछ हमारे पास होता नहीं था, तो ऐसे स्टार्स को देखकर और सन और मून को देखकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, दे यूज टू कैलकुलेट द टाइम द डे नाइट एंड द सीजन एवरीथिंग. ओके, सो देर आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट दे गेट फ्रॉम स्टार्स, ठीक है. तो वो जो स्टार से उनको रोशनी मिलती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक है. वी लिव ऑन द अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट. मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट विच आर सेलेस्टियल बॉडीज, जो उनके एक ऑर्बिट में उनके सर्कुलर पाथ में उनके पास मूव अराउंड करती है. और अर्थ की कौन सी सैटेलाइट है? अर्थ की सैटेलाइट है मून. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हमेशा चलने ही वाला है आगे तक भी एग्जाम्स. यू शुड नो कि अर्थ की कौन सी है सैटेलाइट? मून. So the earth and the moon are part of a bigger system of celestial body called the solar system. The sun is the head of this system and is present at its center. द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. पहले भी मैंने बोला सारे प्लैनेट सन के मूव अराउंड करते हैं. वाइल द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, और जो सैटेलाइट्स हैं वो किसके मूव अराउंड करती हैं? वो मूव अराउंड करती हैं प्लैनेट्स के. द प्लैनेट्स इन एडिशन टू रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस. द सन इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे यूनिवर्स को हीट एंड लाइट कौन देता है? सन. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. पहले भी आ चुका है ये पॉइंट. ओके, अच्छा, प्लैनेट्स के नेम यू शुड रिमेंबर ओरली, सबको पता होने चाहिए, ठीक है. और बस आई थिंक दैट्स इट इन द चैप्टर. अच्छा, मून का थोड़ा सा देखते हैं. द मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ. ये पहले बोल चुकी हूँ मैं, ये सारे पॉइंट्स वही हैं. और आई डोंट थिंक सो इज देयर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन द चैप्टर जो अभी हमने ना कवर किया हो. ओके, द वन पॉइंट इज देयर आर सेवरल अदर टाइनी बॉडीज, जो इसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं. सो देयर इज अ बेल्ट ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट. मार्स और जुपिटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, इसको स्टार कर लेंगे, ठीक है. ये क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी हुई है, उसके मूव अराउंड करती हैं ये सारी सन के मूव अराउंड करती हैं बॉडीज, ठीक है. तो नाउ पे अटेंशन ऑन योर कीवर्ड्स, ऑन योर फिलअप्स, ऑन योर ट्रू फॉल्स वर्कशीट जो मैंने दी है हर चैप्टर की, ठीक है. रिविजन करोगे ये नोट्स, जो पॉइंट्स हैं इनको, नोट्स को इनको ध्यान से सुनोगे तो विल डेफिनेटली लर्न एवरीथिंग, ठीक है ना. यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जाम्स. ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे. जय माता दी.